हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 77 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 77 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। प्रजाति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शन नंबर ए है मैकाइवर ने, ऑप्शन नंबर बी है क्रोबर ने, ऑप्शन नंबर सी है विसेंज एवं विसेज ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फ्रेंच बोआस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसेंज एवं विसेज ने। प्रजाति एक ऐसे मानव समूह को कहते हैं जिसकी शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हों। ये विशेषताएं उन्हें वंशानुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती हैं। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए है ए डब्ल्यू ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर बी है सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर सी है हॉबेल ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हक्सले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हक्सले ने। हक्सले एवं हैडन ने प्रजाति शब्द के स्थान पर समशारीरिक लक्षण वाले समूह या निर्वंशीय समूह के प्रयोग का सुझाव दिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रजाति के प्राण शास्त्रीय अवधारणा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह कहा है? ऑप्शन नंबर ए है विसेज एवं विसेज ने, ऑप्शन नंबर बी है ओडम ने, ऑप्शन नंबर सी है हॉबेल ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जेकब्स एवं स्टर्न ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेकब्स एवं स्टर्न ने। जेकब्स तथा स्टर्न ने अपनी पुस्तक जर्नल एंथ्रोपोलॉजी में उल्लेख किया है कि प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है तथा प्रजातियों की त्वचा के रंग एवं मानसिक क्षमता में कोई संबंध नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, नार्डिन अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियां किस प्रमुख प्रजाति वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है काकेशियन, ऑप्शन नंबर बी है मंगोलायड, ऑप्शन नंबर सी है निग्रोयड, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फिजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काकेशियन। ठीक है, नार्डिड अल्पाइन एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियां काकेशियन की उप प्रजाति है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी कि निम्न में सही उत्तर जो है अंकित कीजिए। क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रिजले, ऑप्शन नंबर बी है मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी है इरावती करवे, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गुहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजूमदार। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडियन पुस्तक के लेखक मजूमदार हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है हॉबेल, ऑप्शन नंबर बी है हड्डन, ऑप्शन नंबर सी है रिजले, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्रोबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजले। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वे रिजले हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हॉबेल जो है हॉबेल की एक कृति है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, जो हॉबेल हैं हॉबेल की एक कृति है जिसका नाम है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। हट्टन की है कॉस्ट इन इंडिया, एंड क्रोबर की एक है द नेचर ऑफ कल्चर, क्रोबर की है द नेचर ऑफ कल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं रिजले। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकी विरासत का परिणाम नहीं होती, यह व्याख्या किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है हर्ष कोविड्स ने, ऑप्शन नंबर बी है पिटिंगटन ने, ऑप्शन नंबर सी है टायलर ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हॉबेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉबेल ने। प्रश्नगत परिभाषा जो है यह हॉबेल की है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संस्कृत सीखी जाती है अतः वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। वे संस्कृत को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति उन वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिनको संसार सुंदर मानता है पर उस ज्ञान की रुचि से संबंधित है, जिनको मानवता मूल्यवान समझती है, उन सिद्धांतों का निरूपण करती है जिनको समूह ने सत्य मान लिया हो। समाजशास्त्री इस व्याख्या को सर्वोत्तम मानते हैं, निम्नलिखित में से सही नाम पर निशान लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ए लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी है टायलर, ऑप्शन नंबर सी है मेलानोवस्की और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मैकाइवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेलानोवस्की। मेलानोवस्की के अनुसार संस्कृत जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौम तत्व, वैकल्पिक संस्कृति तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व किसने वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विलियम समनर ने, ऑप्शन नंबर बी है वेस्टरमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राल्फ लिंटिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राल्फ लिंटिन ने। लिंटिन की मान्यता है कि संस्कृति ध्यान धारणाएं एवं प्रकृति व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदारी होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत प्रतिमानों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए है हर्ष कोविड्स ने, ऑप्शन नंबर बी है रूथ वेनेडिक्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है सदरलैंड ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आगबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूथ बेनेडिक्ट ने। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृत प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है लोक रीतियां, ऑप्शन नंबर सी है सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परंपरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृति। टायलर के अनुसार संस्कृत वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत सामाजिकरण में योग देती है और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, यानी कि यह कथन जो है हमारा असत्य है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जिस स्थान में संस्कृत के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत गुण, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संस्कृत संकुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत क्षेत्र। दुबे के अनुसार कतिपय संस्कृत तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम बिल्सर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत क्षेत्र, यानी कि जिस स्थान में संस्कृत के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे हम संस्कृत क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
रॉबर्ट वीर स्टेट की बताई संस्कृत के विषय वस्तु में निम्नांकित चार विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विचार, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है आदर्श नियम और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भौतिक तत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भौतिक तत्व। रॉबर्ट वीर स्टेट की बताई संस्कृत की विषय वस्तु में भौतिक तत्व सम्मिलित नहीं है, जबकि विचार, आर्थिक संपर्क और आदर्श नियम ये तीनों जो है सम्मिलित हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत विकास की तीन अवस्थाएं हैं, पहली जंगली अवस्था, दूसरी बर्बर अवस्था और तीसरी सभ्य अवस्था। इन तीन अवस्थाओं का निम्न उल्लेख जो है निम्न में से किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए है बिडनी ने, ऑप्शन नंबर बी है मैकाइवर ने, ऑप्शन नंबर सी है डेविस ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मार्गन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्गन ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्गन ने। मार्गन के अनुसार तीन स्तरों में हुआ है, जंगली अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्य अवस्था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत को संचारशील प्रबुद्ध यानी कि कम्युनिकेबल इंटेलिजेंस के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर ए है टायलर ने, ऑप्शन नंबर बी है क्रोबर ने, ऑप्शन नंबर सी है बिडनी ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मैरिट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैरिट ने। संस्कृत को संचारशील प्रवृत्ति यानी कि कम्युनिकेबल इंटेलिजेंस के रूप में मैरिट द्वारा परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निर्जात विज्ञान यानी कि इथनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मानव उद्विकास का, ऑप्शन नंबर बी है प्रजातियां तथा संस्कृतियां का, ऑप्शन नंबर सी है भौतिक संस्कृत का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मानव जैविकी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रजातियां तथा संस्कृतियां का। निर्जात विज्ञान यानी कि इथनोलॉजी के अंतर्गत प्रजातियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संस्कृत के विकास की छह अवस्थाओं को उल्लेख किस विद्वान ने किया है, जैसे आदिपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग तथा लौह युग। ऑप्शन नंबर ए है विल्स एवं हाइजर ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट वीर स्टीड ने, ऑप्शन नंबर सी है एस सी दुबे ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हर्ष कोविड्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस सी दुबे ने। संस्कृत के विकास की छह अवस्थाओं का उल्लेख एस सी दुबे ने किया है, जैसे आदिपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग तथा लौह युग। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के भौतिक पक्ष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है परंपरा, ऑप्शन नंबर सी है संस्था और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभ्यता। संस्कृत के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता अपने भौतिक प्रसार में जैसा पर्यावरण निर्मित करती है, समाज की संस्कृति भी उसी के अनुसार होती है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लें, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर जो है सोशियोलॉजी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी से रिलेटेड जितने भी सोशियोलॉजी के एग्जाम होने वाले हैं उनका जो है मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, तो जिसे आप जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समनर का कथन है कि जब जनरीतियाँ मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती हैं
तो आचरण के नियंत्रण बन जाती हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रथाएं, ऑप्शन नंबर बी है लोक रीतियां, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़ियां और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लोकाचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूढ़ियां। समनर का कथन है कि जब जनरीतियां मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती हैं तो यह आचरण का नियंत्रण बन जाती है, इन्हें जो है रूढ़ियां कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कपाट एक स्वायत्त संगठन है। ऑप्शन नंबर ए है जनजाति विकास का के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सी है नगरीय विकास के लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इन सभी के लिए। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका कई लोगों ने सही जवाब दिया था। जो सही जवाब दिया था वे हैं सुमन न्यू सिंघल, वैशाली गुप्ता, कोमल यादव, एक आईडी थी बेबी डॉल के नाम से, और परमानेंद्र राय, अंकिता वर्मा, अर्चना कुमारी, स्नेहा गुप्ता, पूजा तिवारी, कल्पना सिंह, रानू, नीतू, अशोक राज, संजय मोहनिया और नीतू, इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। पर कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चुना था वह चुना था ऑप्शन नंबर सी। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कपार्ड एक स्वायत्त संगठन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, कपार्ड ग्रामीण विकास से संबंधित एक स्वायत्त शाही संगठन है। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आदिम विशेषताएं, ऑप्शन नंबर बी है बहुसंस्कृतियां, ऑप्शन नंबर सी है भौगोलिक अलगाव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सार्वजनिक संपर्क से बचना। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।